और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां एसआई भर्ती प्रकरण में कमेटी की बैठक आज। सरकार की ओर से गठित कमेटी की सचिवालय में बैठक है और कमेटी के संयोजक हैं मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री सुमित गोदारा, मंत्री जवाहर सिंह बेढम, साथ ही मंत्री मंजू बागमार सहित कुल 6 मंत्री कमेटी में शामिल हैं और कमेटी के निर्णय पर प्रदेश के युवाओं की नजर टिकी हुई है और इसी बीच लगातार तमाम कार्रवाइयां भी जारी हैं। तो आज बैठक है, अहम बैठक जिसमें 6 मंत्री कमेटी में शामिल हैं और कमेटी के निर्णय पर प्रदेश के युवाओं की नजर टिकी है। जयपुर से बड़ी खबर, सरकार की ओर से गठित कमेटी की सचिवालय में बैठक, कुल 6 मंत्री कमेटी में शामिल हैं, कमेटी के संयोजक मंत्री जोगाराम पटेल हैं, मंत्री सुमित गोदारा, मंत्री जवाहर सिंह बेढम, मंत्री मंजू बागमार सहित कुल 6 मंत्री इस कमेटी में शामिल हैं और इस कमेटी के निर्णय पर प्रदेश के युवाओं की नजर टिकी है। इंतजार हो रहा है कि इंसाफ की मांग लगातार प्रदेश का युवा कर रहा है। जिस तरीके से बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, बड़े स्तर पर पेपर लीक हुए हैं, ऐसे में जो मेहनत कर नौकरी पाने वाले युवा हैं उनके साथ कहीं ना कहीं एक चोट, और ऐसे में अब सरकार की ओर से गठित कमेटी की आज बैठक होनी है और कमेटी का क्या कुछ निर्णय होता है इस पर नजर। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, लंबे समय से प्रदेश के युवाओं की लगातार मांग है कि इंसाफ मिलना चाहिए, इस बीच लगातार तमाम कार्रवाइयां भी हो रही हैं। कल ही 2 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया है, लगातार जांच पड़ताल भी जारी है। आज जो कमेटी सरकार की ओर से बनाई गई है उसकी बैठक है, क्या कुछ जानकारी? आपको बता दें कि लगातार इस भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह से फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, तो उसको देखते हुए युवाओं का बड़ा वर्ग इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहा है। इस बीच क्योंकि इसमें ये भी सवाल उठ रहा है कि कई जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन ईमानदारी से हुआ है, इस बीच किसी के साथ अन्याय ना हो, इसको देखते हुए जो आखिरी बार जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि ऐसा ही भर्ती की जाँच के लिए 6 सदस्यीय एक कमेटी बनेगी और कमेटी का की जो अध्यक्षता और संयोजक रहेंगे वो जोगाराम पटेल रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में सचिवालय में आज ये जो है बैठक हो रही है और इस बैठक में ये निर्णय, ये उन तथ्यों पर जो है गहनता से चर्चा की जाएगी कि आखिर इस भर्ती के भविष्य क्या होगा, क्या इस भर्ती को रद्द करना चाहिए या इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर जो है जो बिंदु है उन पर चर्चा होगी, ताकि क्योंकि युवाओं का एक बड़ा वर्ग इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहा है। ये जो जांच कमेटी है ये निर्णय करेगी कि ये भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, इसी को लेकर आज सचिवालय में ये बैठक चल रही है। चलिए, शुक्रिया कुणाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो सरकार की ओर से गठित कमेटी की सचिवालय में बैठक, और बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या फैसला होता है, इस पर प्रदेश के युवाओं की खास तौर पर नजर टिकी है।